ये आधी पावा को आधी पावड़ा बोलते हैं, ठीक है आधी पावड़ा ही सही। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम आए हैं हाथी पावड़ा, सॉरी हाथी पावा, जो कि हमारे छावा जिले के बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर बिल्कुल हरा भरा सा। तो आज हम आए हैं हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे फ्रेंड आगे आगे जा रहे हैं। नहीं चल रहा है तो हमने आ चुके हैं यहाँ पर हाथी पावा। तो आपको बताते हैं यहाँ पर कैसा है हाथी पावा का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पहाड़ी के थोड़े नीचे साइड। आप देख सकते हो मेरे पीछे चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है। नीचे आप मेरे साइड नीचे देख सकते हो। हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं कैसा क्या है, ये देखते हैं वहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ का पूरा नजारा हरा भरा। ये भैया लोग भी आए, फोटो सेल्फी ले रहे हैं, कैमरे से ले रहे हैं। हमारे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से है, तो हम वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। तो आप देख सकते हो यहाँ का नजारा, बिल्कुल शांत माहौल, ठंडी हवा, हरा भरा पूरा हाथी पावड़ा, सॉरी हाथी पावा। हम आए यहाँ पर घूमने के लिए। आपको चारों तरफ का नजारा बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा माहौल है। अगर आपको भी यहाँ पर विजिट करो तो एक बार जरूर आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का शांत माहौल बहुत अच्छा है। अपने लिए सुख शांति मिलती है यहाँ पर आके। तो आप एक बार यहाँ पर जरूर आइएगा। आप देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे पूरा हरा भरा है पूरा माहौल। आप देखो कितना हरा पूरा जंगल दिख रहा है, वहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है पेड़ के अलावा। नीचे देख सकते हो बच्चे भी खेल रहे हैं नीचे, लेकिन दिख नहीं रहे होंगे, बहुत ही नीची पहाड़ी है। मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में, लेकिन वो थोड़ा आगे चले गए हैं, तो हम उनको भी बताते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये झाबुआ जिले, जो कि हमारा एमपी का बहुत ही पिछड़ा जिला है। ये झाबुआ जिले की एक पहाड़ी है जिसका नाम है हाथी पावा। हम आए यहाँ पर हाथी पावा घूमने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ का नजारा, तो मैं चारों तरफ का नजारा बता रहा हूँ, पूरा हरा भरा यहाँ पर चारों तरफ से हरियाली हरियाली। फ्रेंड्स आगे आगे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। इस तरह नजर आओ तो पीछे तरफ भी जा रहे हैं, आपको भी वहाँ का सीन हम बताएंगे, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं मेरे दोस्त के साथ, जो कि यहाँ पर वर्क करते हैं और मैं भी वर्क करता हूँ वहाँ पर, जो कि वो पश्चिम बंगाल के हैं। तो इनको बहुत, इनके मन में बहुत गुदगुद सा हो रहा था कि हमको हाथी पावा जाना है। तो ये हाथी पावा को हाथी पावड़ा बोलते हैं, लेकिन मैंने इनको बताया कि नाम हाथी पावड़ा नहीं हाथी पावा है। वो उनके पास ये भैया मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं साथ में, देखो, और पीछे जो आदमी खड़े हैं वो पोज दे रहे हैं बहुत ही अच्छी वाली, और कैमरे लेके आए हैं फोटो खिंचा रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि इनको हम घुमाने लाए हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ वर्क करने आते हैं यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल से आए और हमारे झाबुआ जिले में आए हैं। तो इनको मैं हमारे झाबुआ जिले की पहाड़ी का नज़ारा इनको बता रहा हूँ। ये आगे आगे जा रहे हैं, अगर हम आगे और जाते हैं भैया लोग इधर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इच्छा हो तो एक बार हमारे हाथी पावड़ा में जरूर आना, सॉरी हाथी पावा में जरूर आना, ताकि यहाँ की खूब शांति और शांति का माहौल बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये हमारे फ्रेंड है जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, तो इनको मैं आज घुमाने के लिए लाया था, तो इनकी इच्छा आज हमने पूरी कर दी है। तो ये बहुत खुश है, ये हाथी पावा को हाथी पावड़ा बोलते हैं, ठीक है हाथी पावड़ा ही सही।